तो ये डीजल है जैसे कि, तो क्या माइलेज निकाल के देती है ये? मैप के बाद ये कोई 6 या 7 की निकालती है बड़ी मुश्किल से। 4-4 सनरूफ वाली कार है तो कुछ तो अलग हो गई भाई। हेलो भाई, मरुण पवार। अभी भाई मैं खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना। और जम्मू कश्मीर जब हम आते हैं ना तो हमको प्रॉपर ऑफ रोडर्स ना मिले ऐसा हो सकता है, जिन्होंने अंधा पैसा लगा रखा है अपनी गाड़ियों में, प्लस डरते नहीं है, जिगरे वाले भाई होते हैं। आज एक ऐसी महिंद्रा थार मिले थे, थार हमने जो नई मॉडल वाले ना वो बहुत देख लिए भाई, झिक चुके हैं उससे को देख देख के, उसकी मॉडिफिकेशन को देख देख के। लेकिन एक भाई है हमारे साथ जिन्होंने ना पुरानी जो थार CRDE आती थी 2019 उस पर इतना पैसा लगाया है ना जिसकी लिमिट नहीं, मतलब इससे ऊपर इसमें लग नहीं सकता पैसा, वो वाला हिसाब किताब है। तो 1940 ईयर्स, मतलब ये वाली थार है बहुत लोग रियल मानते हैं, जो अपना पुरानी वाली है उसको तो वही कॉपी कॉपी कहते रेगुलर, लेकिन ये एकदम ओरिजिनल जेन्युइन पीस है। तो आज इसका ओनर से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, प्लस हम बात करेंगे कि इसमें कितना पैसा लगा दिया, प्लस इस गाड़ी पे पैसा लगाने का क्या रीज़न है, जबकि सब लोग क्या कहते हैं कि अपना नई ले लो उस पे लगा दो, वो वाली चीज़ आजकल मार्केट में चलती है जिसको देखो नई थाल लेके डोल रहा है। लेकिन जो हमारे भाई हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले भाई, नाम बताइए भाई का पहले। नाम शोएब कासिम है। ये गाड़ी मैंने रखी हुई है, थार 700 है, पूरे इंडिया में 700 यूनिट है। ये वाली जो थार है 700 केवल इंडिया में, ये इंडिया में 700 है। और इस पे मैंने अप्रोक्सीमेटली कोई जितना आप सोच सकते हो उतनी मैंने मॉडिफिकेशन कर दी है, जितना मेरी समझ में था। और ये लिमिट्स पे हर एक चीज में, ये लिमिट्स पे, बीट इंजन, बीट सस्पेंशन, बीट बॉडी, हर एक चीज से ऊपर इसमें कुछ भी नहीं हो सकता इस गाड़ी के अंदर। अपने टाइम पे इसको टैग भी मिला था इंडियाज मोस्ट लग्जूरियस जब ये तैयार हुई थी। अच्छा जी, इंडियाज मोस्ट लग्जूरियस थार हम देख रहे हैं, अरे कमाल की चीज है भाई। तो 700 है इंडिया में केवल, तो आपका कैसे प्लान बन गया कि 700 तो भाई बहुत कम है, इंडिया की पॉपुलेशन देखो, ऐसे ऑफ रोडर्स की संख्या देखो जो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, तो कैसे प्लान बना कि यही वाली लेने 700 में? बेसिकली मेरा प्लान था नई वाली थार का, बट जैसे ही वो लॉन्च होने वाली थी उससे पहले आनंद महिंद्रा ने साइन किए हुए 700 यूनिट निकाले पुरानी थार के, जिसमें उन्होंने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया, लेदर सीट्स दी, ये डीकैल्स दिए। स्पेशल गाड़ी है मेरे को, मैंने जो भी गाड़ी रखी है मतलब वो मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल वो, जैसे मेरे पास फॉर्च्यूनर थी तो वो लेजेंडर ली मैंने, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, मतलब वो यूनिक चीज होनी चाहिए। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ियां ऑन करते हो, पहले ही बात कर लेते हैं। एक इनोवा क्रिस्टा, स्कोडा रैपिड, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, मतलब दुनिया भर की गाड़ी है भाई की ना। तो जम्मू कश्मीर में फिर तो पहली गाड़ी होगी जब 700 इंडिया में है, तो जम्मू कश्मीर का मेरे ख्याल से जब ये ली थी तो ओनली वन थी मतलब जम्मू कश्मीर में ना। तो मतलब आपको पता था 2020 वाली आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको ये था कि लास्ट पीस है भाई, फिर कभी नहीं मिलने वाला, तो ये ले लेता हूँ, है ना। हेरिटेज यूनिट हमने लिया था कि चलो कुछ नहीं हुआ तो लास्ट ये हम बचा के रखेंगे इसको अपने। हाँ, कि ये ऐसे थार हुआ करती थी कभी मार्केट में। तो अब बताइए क्या क्या कर दिया आप, जैसे बोल रहे हो कि भाई इसमें फुल, मतलब कितने पैसा लगा दिया होगा, कितना 1 लाख लग गया होगा इसके अंदर? अप्रोक्सीमेटली 10 तक लग गया। 10 लाख लग गया जी, मॉडिफिकेशंस पे। और गाड़ी कितने की है? गाड़ी 13 लाख पड़ी थी मुझे ऑन रोड। तो ये 23 लाख रुपए की थार है जी। अरे भाई साहब, ये तो आज अगर आप टॉप मॉडल हार्ड टॉप डीजल लेने जाओगे ऑटोमेटिक, वो भी आपको सस्ती पड़ जाएगी इसके कंपेटिव अगर बात करोगे। आप कोई भी एरिया पकड़ोगे वो सब मॉडिफाइड है, एक भी एंगल ऐसा नहीं है जो आपको मॉडिफाइड नहीं दिखेगा। अच्छा, बुलेट प्रूफ बनवा ली क्या ऐसे? खाली ऊपर की ग्लासेस हैं जो वो टफ एंड सिक्योरिटी ग्लासेस हैं, जो होते कम से कम इतने मोटे ग्लासेस हैं। अच्छा, जो ऊपर लगवा रखे रूप पे। चलो भाई एक एक करके बात करते हैं, मतलब अब तो ऐसे इंटरेस्ट जाग रहा है ना कि 10-10 लाख रुपए में ऐसा क्या क्या हो रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। पहले तो आ गया मेटल बम्पर लगे हुए इसमें, ठीक है भाई। मेटल बम्पर को माउंट करने के लिए विंच, मेटल विंच को माउंट करने के लिए मेटल बम्पर लगा हुआ है। ये इसकी हमने कस्टम फेयर लीड बनाई है, जैसे इसको आप हिला के देखो इस पे गाड़ी लटक सकती है पूरी, बट इसको कुछ नहीं होगा, जैसे आप हाथ लगा के देखो काफी सॉलिड है। तो इलेक्ट्रिक है ये, मतलब इलेक्ट्रिक विंच है, 15,000 pound की सबसे बड़ी विंच जो आती है। अच्छा, तो मतलब इसको यूज कैसे करते, मान लो ये फंस गई तो फंस गई, यहाँ पे इसके दो ऑप्शन होते हैं, ये एंगेज, ये फ्री स्पूल। फ्री स्पूल पे करके आप खींच सकते हैं, जिस भी गाड़ी में लगाना है उसको यहाँ पे लगाए, रिमोट होता है, रिमोट से आप पुल करेंगे तो गाड़ी खींचेगी आगे। तो मतलब फंसेगी भी नहीं कहीं पे गाड़ी, है ना, इलेक्ट्रिक वाला। आप खुद भी अकेले गए हो तो पेड़ वगैरह के साथ बांध के आप अपने आप को भी बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, पेड़ से बांध के आप निकाल सकते हो। कितनी लंबी वायर रहती है इसके अंदर? ये 15 मीटर। अच्छा, और बाकी इसकी बात करें कितने की आता है ये वाला सेटअप, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक विंच का? इलेक्ट्रिक विंच 40,000 तक की होती है, जो इससे महंगी महंगी भी होती है, 2-2.5 लाख की भी होती है, बट मुझे ये सही लगी, मतलब 40,000 में काम अपना पर्पस पूरा सॉल्व कर देती है और कहीं मतलब फेल नहीं हुई अभी तक, नंबर ठीक चल रही है। इसके अलावा इसमें जो सस्पेंशन है हमने वो मॉड किया हुआ है, राइनो प्रो का सस्पेंशन है, और ये सब कुछ चेंज है, लिंक रॉड चेंज है, ये स्टेयरिंग की एंड चेंज है, ताकि लंबी क्योंकि थार पुरानी वाली में क्या है कि आगे की आर्टिकुलेशन बिल्कुल नहीं है, तो इसमें आगे भी आर्टिकुलेशन हो, इसलिए हमने फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन और जितना कुछ भी है, बाधा तो मुझे बोलते बोलते
याद भी नहीं रहेगा क्या क्या कर दिया। अच्छा, सस्पेंशन से लेकर सारा कुछ चेंज कर दिया, मतलब आपको प्रॉपर ऐसा आपका पर्पस जो मेरे को समझ आ रहा है, आप ऑफ रोडर बनाना चाहते हो इस गाड़ी को प्रॉपर, प्लस ऑन रोड चले जैसे बहुत बहुत मजे से। जैसे आप देख रहे हो इसमें जो ब्रेक्स लगी है वो पूरे इंडिया में किसी ने नहीं कराई है, थार में स्लॉटेड ब्रेक्स है। अच्छा, आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रही है, देखो ये स्लॉट है, ग्रूव्स बने हुए अंदर। हां 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 हां, अच्छा इनका क्या फायदा है भाई? ये जैसे इतनी हैवी गाड़ी है, अप्रोक्सीमेटली जितनी आई थी कंपनी से उससे डबल हो गई है, तो इसको स्टॉपिंग पावर चाहिए होती है, तो उसके लिए हमने फ्रंट ब्रेक। तो कितने किलो अभी ये होल्ड कर रही है? अभी ये 1700 केजी आती थी कंपनी से, अप्रोक्सीमेटली अभी ये 2800-2900 के लिए। अच्छा जी, 3000 kg के लगभग मतलब ये बन रहे हैं, मतलब दो थार इसके साइड में खड़ी कर दो, इतनी भारी हो रखी है गाड़ी। इसके ऊपर के ग्लासेस हैं वही कोई 150 या 140 kg के, अभी उनको दिखाएंगे भाई। भाई मतलब मेन लाइट वाइट की तो बात कर ही नहीं रहे, ग्रिल लाइट वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे, जो मोटा मोटा चीजें हैं वो तो अलग है। टायर्स की बात करते हैं भाई, टायर भी एकदम आपने तगड़े वाले ऑफ रोडर लगा रखे हैं। टायर भी अरिवो के हैं, इससे पहले मैं रडार यूज कर रहा था बट रिसेंटली मैंने अरिवो लगाए। अच्छा, ये भी 15-16 हज़ार का एक टायर है। 15-16 हज़ार का एक टायर, और रिम 4 या 6 हज़ार का है शायद, 6। अच्छा, तो कितने इंच है ये? ये 16 इंच है, बड़े लोग ना थार में 15 इंच के टायर लगाते हैं, तो ये जो है ये उसके साइजेस आते हैं 33, 12.5, ये है 285, 75, 16, जैसे यूरोपियन जो जितने भी टोयोटा टकोमा वकोमा चलती है उसमें यही वाले साइजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो आनंद महिंद्रा का साई नाम पता था वो किधर है? वो आगे है, वो फेड हो गया, साई नहीं फेड हो गया यार। अच्छा, यहाँ पे साइन करके देते हैं। अच्छा, जो 700 यूनिटन भाई, देखो आपको आनंद महिंद्रा के यहाँ पे सर के साइन भी देखने के मिल जाते हैं। ये बाहर से लगवाया था हमने, ये स्नॉकल है बेसिकली, आपकी गाड़ी इतनी पानी में चली जाए तब भी बंद नहीं होगी। अच्छा, इतनी ले के जा रखी है कभी आपने? यहां तक तो गई है भाई, ये तो पुरानी वाली है जो पूरी की पूरी पानी के अंदर जा सकती है लेकिन फिर भी चल सकती है। ये नई वाली में तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसका सारा कुछ यहीं पे दे रखा है, तो भाई ने इसीलिए प्रॉपर एक्सट्रीम ऑफ रोड है ना, तो उनको जरूरत उसी की है क्योंकि उसमें स्नॉर्कल लगा हुआ, सब कुछ हो सकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय boot.com, ये स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट्स, इनके पास पुरानी थार 700 या फिर नई थार 2022 मॉडल हो, हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मंगवा सकते हो किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स। और ये सॉफ्ट टॉप आती है ना पूरी पूरी? हाँ जी, पूरी सॉफ्ट टॉप आती है, ये हमने हार्ड टॉप किया है। हाँ, इसमें ये स्पार्कल है, जैसे धूप इस पे पड़ती है तो ये शाइन करते हैं। मैं आपने देखे इतने मोटे मोटे टफन सिक्योरिटी ग्लासेस है, वो दिखाते हैं, इसको खोलो एक बार ना, वो दिखाते हैं भाई जो सिक्योरिटी के लिए लगवा रखे हैं, साइड में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए भाई। क्या है कि हम हिली एरिया में जाते हैं तो ऊपर से शूटिंग स्टोन आते हैं, शूटिंग स्टोन अंदर ना आ जाए हमें ना मार दे, तो इसके लिए हमने वो। हाँ, ये तो सही है, वो जो ग्लास भाई बता रहे हैं ना वो भाई, ये जो भाई लगवा रखे हैं, शायद अभी आपको समझ ना आएगा लेकिन मैं अभी आपको एक मिनट, ये भी भाई पूरा बम्पर है ना, मेटल बम्पर है, ये देखो भाई, ये वो ग्लासेस हैं जो भाई ने लगवा रखे हैं, तो ये किस चीज़ से पेस्ट करवा रखे हैं भाई? ये इसकी बॉडी ही ऐसी बनाई है कि उसमें अकोमोडेटेड है, ऊपर हमने इसमें वो लगाया हुआ है सिलिकॉन। ये देखो भाई, टफन ग्लास पूरे के पूरे एकदम, मतलब इसमें से ऐसे पत्थर वत्थर भी पार नहीं हो सकता है, तो ये मतलब आपने अलग से बॉडी बनवाई है पूरी इसके छत है ना? बॉडी मैंने खुद डिजाइन करके अलग से, वरना वैसे कपड़े की जैसे ये वाली थार है इस तरीके की पहले इसकी छताएं कर दी थी, बट जो ये साइड में ये भी आपने बाहर से लगवाया है। हर एक ग्लास इस पे टफन ग्लास है, हर एक ग्लास। अच्छा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टफन ग्लास लगवाया है आपको, नीचे कोई कुछ गोली वाली पार कर, गोली तो हो जाएगी ना इसमें? गोली तो हो जाएगी, पत्थर वत्थर नहीं होता है। पत्थर से बचा लेगी। ये देखो, ये सेटअप करवा रखा है यहाँ पे, बेस ट्यूब वगैरह लगवा के, और पूरी अगर आप इंटीरियर देखना चाहो तो कुछ इस तरीके की फील आती है। ये पीछे इसमें ये है ड्रॉप डाउन टीवी। हाँ, यहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह जो आप देख सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब भी चल जाता है इसके अंदर, अरुण भाई की वीडियो हम इधर ही देखते हैं बैठ के। ये लाइट और ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम आता है पराग का, क्योंकि अच्छा, ये टायर कम से कम 100 kg के आसपास का है, 100 किलो का एक टायर है ये, इसमें पूरा सिस्टम है, इसकी वजह से ये लोड नहीं आता डाले पे। ऐसे ही थोड़ी ना भाई, ये मतलब इतने 3000 किलो की गाड़ी बन गई है। अभी भाई ने स्टार्ट करी है भाई महिंद्रा थार, रियल तो भाई महिंद्रा थार यही है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखना सनरूफ, ये सनरूफ देखो भाई गाड़ी के अंदर, ये भाई ने लगा रखे हैं जिससे, अच्छा पीछे तक भी है पूरी की पूरी सनरूफ है भाई ये। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा हम क्या दिखा रहे थे, वो टफन ग्लास मतलब पूरा ये, यहाँ से यहाँ भी ग्लास है ना, पूरा कंप्लीट ग्लास ही तो है, बस ये कि यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या लगवा लिया आपने? फॉल सीलिंग है, इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली थार 700 सिग्नेचर एडिशन, मतलब फॉल सीलिंग है ये। हाँ, आपने घरों में फॉल सीलिंग देखी होगी भाई, लेकिन यहाँ पे थार में चार चार सनरूफ आपको मिल रही है, चार सनरूफ आपने किस गाड़ी में देखी है भाई? इस गाड़ी के अंदर आपको चार सनरूफ देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है भाई। मैं एग्जॉस्ट सुनना चाहूंगा, मेरे को मेरी इच्छा पूरी करो, एग्जॉस्ट सुनाओ। एग्जॉस्ट है, हां, स्टेट पाइप एग्जॉस्ट है, हां, जीआर भी डिलीट किया है और कैटलिटिक कन्वर्टर भी निकाला है। अच्छा, इसकी वजह से इसकी आवाज सुनो आप। हां, मस्त आवाज़ तो मस्त है। अभी भाई ने इसमें रीट्यून मिरी मैप वगैरह क्या क्या करवा रखा है, तो इसको हम चलते हैं इसके अंदर बैठते हैं, और शायद आपको अभी एकदम आपके
माइक डाउन चला के होगा क्योंकि इतनी तेज आवाज जब उससे निकलती है ना एग्जॉस्ट से तो थोड़ा दिक्कत होती है। ये क्या चीज है भाई? इसमें सीबी रेडियो लगा हुआ है जो आरबी वाले यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए। तो हम जब जाते हैं ऑफ रोड ट्रिप्स पे तो ये हम यूज करते हैं। इसका प्रॉपर परमिशन हमने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। ये गाड़ी से गाड़ी बात करते हैं आरबी वाले के, आर्मी वाली कार्स के ऊपर होता है ना आपस में लोगों को, जैसे एक दूसरी गाड़ी में होगा वो आपस में बात करेंगे। 10 किलोमीटर की रेंज है। अच्छा, तो ये वाला सेम सेटअप दूसरी गाड़ी में भी इंस्टॉल होना चाहिए? हाँ, या तो वॉकी टॉकी होना चाहिए उसमें। 1.5 लाख रुपए का सिस्टम लगाया था मैंने। 2 एम्पलीफायर है, आगे भी स्पीकर है, सब वूफर है, सब कुछ है। मतलब इसमें जितना आपको सोच सकते हो ना उतना चीज है। जैसे ये इसमें एक्चुअली आई एम पैशनेट अबाउट फ्लाइंग, पायलट बनना चाहता हूँ। सही में? क्या उम्र है भाई की? अभी 23 बस। तो बनोगे अभी? हाँ, बने भाई। बेस्ट विशेस भाई के साथ। तो ये जैसे उसमें एयरक्राफ्ट में स्विचेस होते हैं मैंने वैसे लगा रखे हैं इसमें। अरे भाई साहब, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज है। ये यहाँ पे दिखता है किसी भी बंदे का असली पैशन। मतलब ये लाइट्स के लिए है? जी जी, लाइट्स के लिए। लाइट्स के लिए भाई इतनी मेहनत कौन करता है यार। मतलब यहाँ पे भाई ने दिल जीत लिया। भाई ने दिल जीत लिया यहाँ पे। लाइट्स देखिए, आपको लाइट्स मिल जाती है। लाइट्स हमने कस्टम फिट की हुई है। मतलब पूरी मेहनत करके गाड़ी आपने खुद ने बनाई है, जैसी आपकी इच्छा थी। इसमें से मतलब 50% मॉड्स मैंने खुद ही इंस्टॉल किए हैं। जैसे भाई के पास फॉर्च्यूनर, मतलब सारी गाड़ियां हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन भाई ने फिर भी एक जो अपना मन था उस हिसाब से बनाई है। तो आज वाली थार आपको लगती है इसके सामने कुछ? आज वाली थार है तो कैपेबल है, बट उसमें वो फील फैक्टर नहीं है। जैसे आप इसका स्टीयरिंग चलाओ, इसको इसमें बैठो ना, आपको लगता है आप जीप में बैठे हो, एक दुनिया से ऊपर। और ऐसे मतलब आपको हर कोई बंदा मुड़ के देखता है, लोग फोटो खिंचाते हैं आके। ये सीट्स वगैरह भी आपने खुद कस्टमाइज करी हैं? यही है, ये एक्चुअली थार 700 की सीट्स है, लेदर की कंपनी से आती है। हाँ हाँ। तो दो ये कंपनी से आती हैं, दो मैंने दूसरी थार 700 इंडिया की बड़ी मुश्किल से ढूंढ के उसकी सीट्स लगाई हैं। अच्छा, तो फिर मतलब पीछे क्या आता है फिर इसमें? वैसे पीछे बेंचेस आते हैं जैसे जिप्सी में, नहीं आते? हाँ, वो लंबे लंबे से। हाँ, वो तो कैप्टन सीट्स लगाई हैं, वो तो लुक बिगाड़ देती थोड़ी सी। तो ये ढूंढ के निकाल लिया? ढूंढ के निकाल। ऐसे ही 10 लाख रुपए नहीं लगे भाई इसमें? फॉल सीलिंग बताओ यार, घर में लोग नहीं कराते और भाई वायरिंग वगैरह दिखती है अगर कोई ऐसे देखना चाहे? कोई ऐसे देखेगा तब, वरना नहीं देखेगा। वरना तो भाई फील तो पूरी है भाई। और ये एंटीना देखो, आप बाहर से देख रहे होंगे कितना बड़ा है इसके अंदर। अच्छा भाई, म्यूजिक सुनाते हैं एक बार ही ना, म्यूजिक सुनाते हैं। भाई साहब, भाई ने हैवी म्यूजिक सिस्टम डलवा रखा है। जैसे बड़े लोग करते हैं क्या, बड़े बड़े बेसेस लगा लेते हैं, बड़ा बड़ा वो कर लेते हैं। मेरा क्या था कि मैंने गाड़ी के अंदर सुनना है, तो मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज फटनी नहीं चाहिए। और मैं खुद सुनता हूँ तो मतलब खुद मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो बिल्कुल मतलब कान में क्लियर आवाज आनी चाहिए। आवाज क्लियर है, प्लस वो धम धम नहीं जो सिर दर्द करती है, वो वाली बिल्कुल नहीं है। 5 घंटे के लिए सुन लो चाहे 3 घंटे के लिए सुन लो, इसमें आपको सिर दर्द नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताइए, बार बार पसीना पहुंच रही, इसका एसी अच्छा नहीं है क्या? एसी अच्छा एक्चुअली है, देखो ना ऊपर सीधा इसको हाथ नहीं लगा सकते आप, बहुत गर्मी आ रही है। अरे भाई हाँ यार, बहुत ही मोटा ग्लास है। मतलब आपको मैं कैसे दिखाऊं, पर ये ऐसा देखने में रियल आंखों से पता चल रहा है कि ये बहुत मोटा ग्लास भाई ने लगवा रखा है और मेड इन ताइवान है भाई ये देखो। अच्छा एक चीज बताइए, इसका टेढ़ा सा गियर नॉब आपको इरिटेट नहीं करता क्या? नहीं, इसका बेसिकली इसका यही फील फैक्टर है, ये परफेक्ट नहीं है गाड़ी। बट यही जैसे आप ये करोगे, ये ऐसे आगे लगाओगे, ऐसे करोगे, गाड़ी थोड़ा झोल भी मारती है, मगर इसको फील है चलाने में। आप निकलो गाड़ी रोड को लेकर और आप अपनी जो न्यू थार है वो चलाओगे तो आपको दोनों में फील फैक्टर में डिफरेंस पता चल जाएगा। और इसको ऑफ रोड में जितनी लग्जरी मॉडिफाइड है उतना ही केपेबल ऑफ रोड भी, अभी आप देखेंगे आगे वाली वीडियो में। तो ये डीजल है जैसे कि, तो क्या माइलेज निकाल के देती है ये? ईमैप के बाद ये कोई 6 या 7 की निकालती है बड़ी मुश्किल से। 6-7 की बस? जब खींचोगे तो और कम हो जाता है। 4-4 सनरूफ वाली कार है तो कुछ तो अलग हो गई भाई। बेसिकली ये शौक के लिए तो रीमैप करवा रखी है आपने टोटली, पूरी फुल लेवल तक रीमैप। EGR इंजन इसका ऑयल डिफरेंट आता है, कोल्ड एयर इनटेक है, मतलब जितना आप सोच सकते हो इंजन में कोई 150 हॉर्स पावर से ऊपर प्रोड्यूस करती है। नई वाली थार से भी ज्यादा निकलवा रहे हो आप फिलहाल इससे? तो क्योंकि वेट भी ज्यादा ना, तो वही है, अगर वेट इतना ज्यादा लटका दिया और फिर वही इंजन चलाएंगे तो ऐसे लगेगा कि गाड़ी एकदम दब रही हो बहुत ज्यादा। और अब एकदम जैसे इंजन खुल गया है तो भाई माइलेज तो कम देगा ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम, भाई को फुल फील आनी चाहिए गाड़ी चलाने में, वो वाली चीज है। इसकी रनिंग आप देख रहे हो कि
हाँ, कभी कभी मन करा तो ऑफ रोड कर लिया, हमारे जैसे आगे बेरोजगार उन्होंने ऑफ रोडिंग करवा लिया भाई है। तो ये देखो भाई कितनी तगड़ी है, यहाँ पे कोई हम्प नहीं, कोई कुछ नहीं, और पूरे पीछे तक का भाई ने फॉल सीलिंग करवा रखे। तो आइडिया कहाँ से आया कि यार इस तरीके का प्लस माइनस वाला फॉल सीलिंग थोड़ा सा डिजाइन करवाते हैं? स्टार्टिंग से मैं चाहता था कि उसके ऊपर ग्लास रूफ, और मैं चाहता था कि इसमें ये जो एंटरटेनमेंट जैसे बाहर की लगी होती है ना, जो निकली होती है, वो चीज मुझे पसंद नहीं थी। मेरे को लग रहा था इंटीग्रेटेड चाहिए, तो उसके लिए पहले हमने सीधा वो किया था डिजाइन, फिर इसका हमें लगा कि ये स्पेशल मॉडल है, फिर इसका ये करने के लिए हम, ये थार मतलब आपको दिख रहा होगा पूरा सब कुछ, सिग्नेचर एडिशन यहाँ पे लिख रखा है, इतना वाइड है कि आप और मैं दोनों दिख सकते हैं। हाँ ये देखो, इसमें भाई अपना मैप भी मिल जाता है, तो कभी किसी कंट्री में जाने का प्लान बना तो भाई वहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं, सात समुद्र पार हो जाएगी, मतलब इतने डूब जाती है पानी में तो निकल तो जानी चाहिए ना आराम से। बाकी तो भाई इसमें लाइट्स वगैरह भाई ने दुनिया भर की लगवा रखी है, ये देखिए आप, मतलब थ्रो हम रात को इस गाड़ी को देख रहे थे, मैं भाई के साथ थी कल से, तो वहाँ पे पता चल रहा था कि भाई कितनी जबरदस्त के अंदर लाइट्स है, ऐसे फैलती नहीं है और प्रॉपर एक जगह पे ही गिरती है। तो 10 लाख रुपए मॉडिफाइड है भाई, ये मैंने खुद ही एडजस्ट किया है एक्चुअली, वो जो इंस्टॉलर होते हैं उनको पता नहीं होता, जैसे आपकी गाड़ी में मैंने देखा एक लाइट है से एक लाइट है, सही कह रहे हो, एक इधर भागती है एक इधर भागती है, तो ये मैंने खुद ही इंस्टॉल किया, सब मैंने खुद इंस्टॉल किया। तो अभी तक कोई ऐसा लगता है कि यार यही वाली थार रखूंगा, कोई नई वाली अपग्रेड कर लेता हूं? नहीं, मेरा हाइलक्स का प्लान है, हाइलक्स का प्लान है, अभी फिर उसको मॉडिफाई करोगे अपने हिसाब से ना। तो ये भाई की प्रॉपर 4x4 प्लस आने वाली वीडियोस में भाई ने जो 10 लाख रुपए इसमें लगाए हैं, ये तो ये भी थ्योरी बातें हैं जो भाई ने और मैंने डिस्कस करी हैं साथ में बैठ के। प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसको हम ट्रैक पे उतारते हैं वहाँ की इतनी कैपेबल फील होती है, वहाँ पे वो हम चीज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाली में देखेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद 4x4 इतनी हाईली मॉडिफाइड 4000 सनरूफ वाली महिंद्रा थार दिखाने के लिए। हम फॉर्च्यूनर लेके आप ही के पास आ रहे हैं, बिल्कुल कभी भी आओ भाई, मोस्ट वेलकम। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।